कांदिवली वेस्ट के हिंदुस्तान नाका और मेरिडियन नामक लेडीज पार्क पर 10 से 15 लोगों ने हमला कर बार के 3 कर्मचारी को बुरी तरह घायल कर दिया। रात 12:30 बजे के लगभग मेरिडियन बार में कुछ शराब पीकर अज्ञात लोग आए। उन लोगों को बार जाने से रोका गया, जिसके बाद अचानक मारपीट हुई और 10 से 15 लोगों ने बार पर पत्थरबाजी की और बार के 3 कर्मचारियों को बुरी तरह पीटा। घटना की जानकारी मिलते ही कांदिवली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मारपीट और हमला करने वालों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। कांदिवली के नाइट PI रोकड़े ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पता चला है कि हमला करने वाले पास के बंदा पखाड़ी इलाके के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार घटना के बाद स्थानीय पुलिस की कार्रवाई और दबाव के बाद कुछ लोकल नेताओं के बाद सुबह 6 बजे बार मालिक और हमला करने वालों के बीच आपसी समझौता कर मामले को रफा दफा कर दिया गया। इस वक्त हम खड़े हैं कांदिवली पश्चिम के मेरिडियन बार पे। कुछ अज्ञात लोगों ने इस बार पर अचानक हमला कर दिया। हमले की वजह क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन जो कर्मचारी है होटल बार के कर्मचारी है उन पर भी हमला हुआ। होटल की तोड़फोड़ भी हम आपको बता दें कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भाई जिस तरह से तोड़फोड़ ही आप देख सकते हैं कि भाई ये पूरा मामला पूरा यहाँ पे तहस नहस किया गया है। यहाँ के कुछ गमले थे वो तोड़े गए हैं, पत्थरबाजी वगैरह हुई है, यहाँ पे थोड़ा बहुत क्षति पहुंची है पत्थरबाजी की वजह से, यहाँ पे कुछ लोग घायल भी है जो बार के कर्मचारी है। जब हमने बातचीत की तो पता चला कि यहाँ पे कुछ शराबी मवाली टाइप के कुछ लोग थे जिन्हें बार में इजाजत नहीं दी गई, परमिशन नहीं दिया गया, जिसके बाद में उन लोगों ने अचानक एक साथ में कई लोग 10 से 15 लोगों का मौत आया और उन्होंने इस बार पर हमला कर दिया। बार के जो कुछ कर्मचारी है, लगभग 3 कर्मचारी है जिन्हें चोटें आई है, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया। फिलहाल घटनास्थल पर नाइट PI मौजूद है, पुलिस की गाड़ियां मौजूद है। आप देख सकते हैं कि भाई पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई। पुलिस को जैसी जानकारी मिली तो तुरंत पुलिस घटनास्थल पर आ गई और पुलिस ने जो है जो तोड़फोड़ करने वालों में से एक व्यक्ति को फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया है, पूछताछ चालू है। और जो लोगों को क्षति पहुंची है, जो लोगों को मार लगी है, उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है, फिलहाल उनका उपचार। इस वक्त हमारे साथ में मेरिडियन बार के जो मैनेजर है वो है, वो बताएंगे कि क्या मामला है। अच्छा जीतू भाई, ये बताएं कि किस तरह का मामला है, क्या हुआ था, पूरी इसके बारे में बताएं। हाँ वही, वो लोगों को एंट्री नहीं दिया, वो इसके लिए मारामारी हुआ। कितना लोग था, क्या था पूरा विवरण? 15 से 16 जन थे। वो लोग दारू पिए थे, फुल टाइट, वो लोग अंदर जाना मना किया, इसके लिए वो लोगों ने मारामारी की। तो किस तरह का नुकसान हुआ है, क्या हुआ? कुछ चेन वीन वगैरह के निकल गया हमारा और गाड़ी वगैरह तोड़ गया था। तो कहाँ का मार लगाया आपको? मार इधर लगे ले और एक सर पे लगे ले। कितने लोग टोटल घायल हुए? 3 जन घायल हो गए। 3 जन। कौन लोग, नाम बताते हैं कौन लोग है? 3 जन, एक अशोक शेट्टी, अशोक शेट्टी और एक निकंत प्रधान और एक जीतू शेट्टी। किसी को ज्यादा नुकसान हुआ? कुछ इस तरह से आपने देखा कि भाई लगातार मुंबई के उपनगर इलाकों में 2 दिन पहले भी एक हत्या की वारदात पेश आई थी, वो कांदिवली बोरीवली ईस्ट में एक घटना दर्ज हुई है। और आज 2 दिन बाद में अचानक कुछ लोगों को बाहर के जो कस्टमर थे उन्हें परमिशन नहीं दिया गया, उन्हें एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि मवाली टाइप के लोग थे, इसीलिए उन लोगों ने जो है मॉब बनाकर इस बार पर हमला किया, कुछ लोगों को घायल कर दिया। फिलहाल घटनास्थल का पूरा जायजा पुलिस ने लिया है। शताब्दी अस्पताल में कुछ लोगों को इंजर लोगों को भर्ती कराया गया है। फिलहाल तफ्तीश जारी है। मुबारक शेख, मुंबई।